बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। आई थिंक पहली बार मैं गेम शो को होल एंड सोल होस्ट कर रहा हूँ। मैंने इसे कई गेम शोज को होस्ट किए हैं और साथ ही साथ पार्टिसिपेट भी किया है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम होस्टिंग अ गेम शो। क्यों चुना? फर्स्टली जी और मेरा जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। आई स्टार्टेड माई करियर एज एन एडल्ट थ्रू जी टीवी। सारेगामा पा 2007 में मैंने होस्ट किया था और अब हम 2023 में हैं, तो हम 16 साल से एक दूसरे की जिंदगी में हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। एंड यू नो इट्स लाइक फैमिली टू मी। मैंने ऑलरेडी सारेगामा पा से अपना डिपार्चर अनाउंस कर दिया, तो फिर हमने सोचा अरे अब क्या करेंगे तो अब हम बजिंगा कर रहे हैं। बट नो, इन ऑल सीरियसनेस, यू नो आई एंजॉय वर्किंग विद जी। आई एंजॉय वर्किंग विथ कॉन्टेंट टीम, जो शो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं। कुछ एपिसोड्स के लिए मेरे जो को होस्ट हैं वो मेरे भाई मिस्टर हर्ष लिम्बाचिया हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैं जब किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ कहता हूँ तो मेरा नंबर वन आउटलुक ये है कि इट शुड बी फन, मज़ा आना चाहिए, हमें अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। और इतनी अच्छी टीम है तो हम अपने काम को एंजॉय करेंगे। जब हम एंजॉय करते हैं तो यहाँ पर जो फैमिलीज आती हैं गेम्स खेलने के लिए वो एंजॉय करेंगे, जो हमारे दर्शक हैं जो घर पे फैमिलीज देख रही हैं वो एंजॉय करेंगे। इट ऑल स्टार्ट्स विद अस हैविंग फन। जी बिल्कुल। फिलहाल तो हर्ष कुछ एपिसोड्स के लिए हैं हमारे साथ। होपफुली अगर एवरीथिंग वर्क्स आउट आते जाते रहेंगे या तो शायद जाएंगे ही नहीं। हर्ष मतलब दोस्त है, मेरा भाई है। भारती और हर्ष मेरे यू नो पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स हैं, यू नो नॉट जस्ट ऑन अ प्रोफेशनल स्पीयर। हम एक्चुअली पड़ोसी हैं, आजू बाजू वाली बिल्डिंग में रहते हैं। और एक 2018 से हमने एक साथ काम करना शुरू किया। इनफैक्ट उससे पहले भी थोड़ा बहुत मिलना जुलना रहता था, बट यू नो एक बार आप किसी के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ। और यू नो श्वेता और भारती की भी बहुत अच्छी दोस्ती है, हर्ष की और मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती है, और हम चारों की भी बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप है। और अब तो दोनों पेरेंट्स बन चुके हैं। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन और बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। एंड यू नो आई वुड ऑल्सो लाइक टू बिलीव दैट वी आर वेरी सिंपल पीपल। तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में शेयर करते हैं, तो मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। और कहीं ना कहीं हमारी एक जो प्रोफेशनल पर्सनल कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनल लाइफ में दोस्ती है, केमिस्ट्री है, वो थैंकफुली टीवी पे स्क्रीन पे ट्रांसलेट करती है। तो इसी वजह से आई थिंक लोग हमें साथ में देखना पसंद करते हैं। फन, नॉनसेंस, मस्ती ऑफ कोर्स बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो लोएस्ट बिडर होता है और जो सबसे यूनिक बिडर होता है वो इस गेम को जीतता है। और कहीं ना कहीं आई थिंक इस बजिंगा जो ऐप है उसका भी यही फंडा है। और इंडिया में ऑलमोस्ट फ्री या फ्री की चीज़ें किसे अच्छी नहीं लगती हैं। आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, आप कितना भी पैसा कमा लें, नाम इज्जत शोहरत कमा लें, बट वो जो एक फीलिंग होती है कुछ फ्री में पाने की या कुछ भारी डिस्काउंट में पाने की, आई थिंक हम सब यू नो वी आर ऑल इंडिया को द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कहते हैं। यू नो इंडिया इज नोन एज द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। और कहीं ना कहीं हम सब की जो शुरुआत और परवरिश है वो मिडिल क्लास से ही हुई है। तो हम कितने भी बड़े हो जाएं और कुछ भी हो जाए, बट वी लव फ्री स्टफ। जैसे हमें आज तक, मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे बर्थडे की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है जितनी मुझे उसके गिफ्ट्स की होती है। जब मुझे कोई एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। सो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट ये लोगों को इसे देखने में और इसमें पार्टिसिपेट करने में, दोनों में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले तो थैंक यू फैंस, आप इतना प्यार देते हैं, आप यू नो मेरे हर शो को इतना देखते हैं एंड यू नो इतना सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को, बिकॉज़ ये मेरा
28वां साल है इन द फिल्म म्यूजिक एंड टीवी इंडस्ट्री। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है लोगों के सामने गाने गाने का, फिल्मों का हिस्सा बनने का, टीवी शोज का हिस्सा बनने का। एंड आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट के इतने सारे हैंडसम टैलेंटेड बॉयज मैन, इतने सारे लोग हैं, बट आप अभी इतना प्यार देते हैं, सो थैंक यू। और ये शो ज़रूर देखिएगा, संडेज़ जी टी वी पर आएगा 5 बजे, और ऑफकोर्स आई एम श्योर Z5 पे भी आएगा, तो आप जहाँ पे भी हैं जैसे भी हैं देखिए। और अगर आपके पास बजिंगा ऐप होगा तो आपको और भी मज़ा आएगा, आप खुद इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार शो है। टीवी पे आपने मुझे सिंगिंग शोज बहुत सारे करते हुए देखा है, आई थिंक सारे ही कर लिए मैंने अब। और एक फन अवतार में आपको मुझे देखने मिलेगा, नॉट दैट मैं वहाँ पे फन नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास रूम है टू हैव मोर फन। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू इंटरैक्ट विथ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम इंडिया, तो चाहे वो म्यूजिक रियलिटी शोज हो या चाहे वो ऐसे गेम शोज हो, पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं और हम उनसे मिलते हैं। अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, अलग अलग प्रांत होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम सब में कॉमन थ्रेड वो है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं हम में, और बहुत कुछ अलग भी है। और वो जो